जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस जनों द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में शहर के 4-0 चौराहे पर धरना दिया गया और बिजली बिलों की होली जलाई गई। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजित कांटे ने कहा कि प्रदेश की कमलनाथ के मुख्यमंत्री वाली प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के पाल में इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की, जिसमें 150 यूनिट की खपत तक 100 रुपए के बिल दिए गए। इस योजना के तहत प्रदेश के 1.5 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए। भाजपा की शिवराज सरकार ने उपभोक्ता को इस लाभ से वंचित कर दिया। वैसे उपभोक्ताओं को 2 से 4 हजार तक के विद्युत प्रभाव के बिल भेजे जा रहे तो वसूली की जा रही, उनसे जनता में इस सरकार के विरुद्ध व्यापक आक्रोश है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं व किसानों की समस्याओं के निपटारे हेतु प्रदेश में 1210 समितियों का गठन किया था और जनभागीदारी सुनिश्चित की। विद्युत कंपनी जानबूझकर एक विद्युत जनभागीदारी समिति की बैठक नहीं बुला रही। विद्युत कंपनी मनमाने बिल भेज रही है, उपभोक्ता से राशि वसूल कर रही। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और बिजली बिलों की होली जलाई। देखिए, जब 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार रही तो उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक योजना शुरू करी, इंदिरा गृह ज्योति योजना। उस योजना में ऐसे उपभोक्ता जिनको 100 यूनिट 150 यूनिट का कंजम्पशन होता था उनको 100 रुपये महीने का बिजली का बिल दिया जाता था। अकेले नीमच में ही ऐसे 24,000 उपभोक्ता थे जो 100 रुपये महीने का बिजली का बिल चुकाते थे। शिवराज सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले इंदिरा गृह ज्योति योजना को बंद कर दिया। उसका असर यह आया है कि जिसको 100 रुपए का बिल आ रहा था उसको 1500 रुपए, 2000 और 3000 रुपए का बिल आ रहा है। सारे उपभोक्ता बहुत परेशान है और हमने शिवराज सिंह जी के इस कदम के विरोध में आज यहाँ पर धरना दिया है विद्युत मंडल के बाहर और विद्युत बिलों की होली जलाई है। और हमारी सबकी यही मांग है कि जो कमलनाथ जी ने इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की थी, शिवराज सिंह उसको पुनः लागू करें और हर उपभोक्ता को 100 से 150 यूनिट का जिसका कंजेंशन होता है उसको 100 रुपये का बिल दिया जाए और जो भी वृद्धि की गई है उसे सब वापस दी जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग। आसिफ अली की रिपोर्ट।